हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 3 एडिशन एंड सबट्रैक्शन का प्रॉब्लम सेट 13। ये इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम सेट है, इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले के चैप्टर भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अगर आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथ्स इस नेम का प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से चेकआउट करेंगे तो आपको बाकी के चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। अब आइए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्रॉब्लम सेट 13 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांटेड 23,078 ट्रीज ऑफ खेर, 19,476 ऑफ बिहाड़ा, बिसाइड ट्रीज ऑफ सेवरल अदर काइंड्स। इफ द डिपार्टमेंट प्लांटेड 50,000 ट्रीज ऑल टुगेदर, हाउ मेनी ट्रीज वर नीदर ऑफ खेर नॉर ऑफ बिहाड़ा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 23,078 ट्रीज खेर के लगाए और 19,476 बिहाड़ा ट्रीज हैं। इन दोनों के अलावा भी बहुत सारे और ट्रीज को प्लांट किया गया। टोटल ट्रीज कितने प्लांट किए गए? 50,000। तो सब ट्रीज को मिलाने के बाद 50,000 ट्रीज टोटल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्लांट किया था। अब आपको पूछ रहे हैं कि इन दोनों के अलावा, यानी खैर ट्रीज और बिहाड़ा ट्रीज के अलावा, और दूसरे कितने ट्रीज प्लांट किए गए। तो हमें सिर्फ नंबर बताना है, तो कैसे करेंगे? इन दोनों को पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो देखो सोल्यूशन कैसे आएगा इसका। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको क्या दी गई है वो लिख दीजिए, 23,078 ये खैर ट्रीज है, 19,476 ये बिहाड़ा ट्रीज है। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, देखो यहाँ पर 8 प्लस 6 करेंगे तो 14 मिलेगा, तो 14 का 4 यहाँ पर लिखो, 1 बाजू में कैरी करो, 7 प्लस 7 14 होता है, 14 प्लस 1 15 होगा, तो 15 का 1 बाजू में कैरी करेंगे और 5 लिखेंगे यहाँ पर, 1 प्लस 0 1 होगा, 1 प्लस 4 5 होगा। 3 प्लस 9 कितना होता है? देखो 9 के बाद 3 फिंगर्स निकाल कर काउंटिंग करो, 10 11 12, तो 12 का 2 यहाँ पर लिखेंगे और 1 बाजू में कैरी, 1 प्लस 2 3 होता है, 3 प्लस 1 4 होगा। अब ये प्लस हमने क्यों किया बच्चों? अब इसके नंबर और इसके नंबर जब हमने प्लस किया तो हमें पता चला 42,554 मिल रहा है। टोटल ट्रीज यहाँ पर 50,000 है, तो 50,000 में से अगर हम 42,554 को माइनस कर देंगे तो पता चलेगा कि बाकी के ट्रीज कितने हैं। नेक्स्ट चीज हमें क्या पता है, 50,000 जो है ये टोटल ट्रीज है, तो ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 50,000 टोटल ट्रीज प्लांटेड। देखो क्वेश्चन में दिया गया था कि डिपार्टमेंट ने 50,000 ट्रीज को प्लांट किया है, तो वही यहाँ पर हमने लिख दिया। अब बाकी के ट्रीज पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50,000 को 42,554 से माइनस करना पड़ेगा। टोटल ट्रीज 50,000 है, खैर ट्री और बिहाड़ा ट्रीज को मिलाकर हमें इतना मिला है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमें बाकी के ट्रीज पता चलेंगे। आइए माइनस करते हैं, यहाँ पर देखो अपसाइड में बिगर होना चाहिए, जीरो स्मॉलर है तो बाजू वाले से लेंगे, बाजू में भी जीरो है, फिर बाजू में भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 5 को 4 बनाना पड़ेगा, बाजू वाले को 1 देना पड़ेगा, तो ये 10 बन जाएगा। अब ये 10 बन जाएगा 9 क्योंकि इसने बाजू वाले को 1 दे दिया। अब ये भी बाजू वाले को 1 देगा तो ये भी बन जाएगा 9, फिर ये 10 बनेगा, अब ये 10 भी बन जाएगा 9 क्योंकि इसने बाजू वाले को 1 दे दिया, तो ये 10 बन गया। अब 10 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 मिलेगा। अब यहाँ पर देखो बिगर है 9 और यहाँ पर है 5, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा, यहाँ पर भी 4 मिलेगा, यहाँ पर 7 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 0। तो क्या पता चल रहा है, 7,446 बाकी के ट्रीज थे। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे, 7,446 ट्रीज प्लांटेड अदर देन खैर एंड बिहाड़ा ट्रीज। क्वेश्चन आपको यही पूछा गया था ना कि बाकी के ट्रीज कितने हैं वो बताओ, खैर और बिहाड़ा के अलावा कितने ट्रीज है ये बताना था। तो हमने पहले क्या किया, खैर और बिहाड़ा के ट्रीज को प्लस किया तो हमें मिला 42,554। टोटल ट्रीज हमें बताए गए थे कि 50,000 है, देखो क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो हमने क्या किया, 50,000 को 42,500 माइनस किया तो हमें पता चला कि 7,446 है। ये जो नंबर है ये बाकी ट्रीज के नंबर हैं जो खैर और बिहाड़ा ट्रीज के अलावा है। आया समझ में? चलो कॉपी कर लो इसको, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखो आपको क्या पूछ रहे हैं, अ सिटी हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 37,04,926, इफ दिस इंक्लूड्स 11,24,069 मैन एंड 10,96,478 वुमेन, व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सिटी। बहुत कमाल का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि एक सिटी में पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन बता दिया गया इसमें, इसमें मैन भी है, वुमेन भी है और बच्चे भी हैं, तीनों का मिलाकर आपको बता दिया गया कि इस सिटी का पॉपुलेशन 37,04,926 है। ठीक है, अब इसमें सेकेंड पार्ट आपको बताया है, इस 37,04,926 में 11,24,069 मैन है और 10,96,478 वुमेन है। तो क्वेश्चन इसमें आपको पूछा जा रहा है कि इस सिटी में चिल्ड्रन कितने हैं। आया समझ में क्वेश्चन? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो मैन और वुमेन का नंबर दिया गया है इसको प्लस करेंगे, फिर जो आपको आंसर मिलेगा उसको माइनस करेंगे 37,04,926 से, तब आपको पता चल जाएगा कि चिल्ड्रन कितने हैं। तो सोल्यूशन में देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो नंबर है ये है वुमेन का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वुमेन, और ये जो नंबर आपको दिया गया है ये है मैन का, तो यहाँ पर लिखेंगे मैन। अब प्लस कीजिए, 8 प्लस 9 कितना होता है, 8 प्लस 8 16 होता है, 16 में 1 प्लस करेंगे तो 17 आएगा, तो यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7।
वन प्लस सेवन एट होता है, एट प्लस सिक्स फोर्टीन होगा, तो फोर्टीन का फोर यहाँ पर लिखेंगे और वन बाजू में कैरी। वन प्लस फोर फाइव होगा, फाइव प्लस जीरो यहाँ पर फाइव मिलेगा आपको। सिक्स प्लस फोर टेन होता है, तो जीरो यहाँ पर लिखो, वन बाजू में कैरी करो। वन प्लस नाइन टेन होगा, टेन प्लस टू ट्वेल्व, तो ट्वेल्व का टू यहाँ पर लिखो, वन बाजू में कैरी करो। वन प्लस जीरो वन होगा, वन प्लस वन टू होगा, वन प्लस वन यहाँ पर भी टू मिलेगा। तो ये जो नंबर मिला ये आपको मिला टोटल नंबर, यानी मैन एंड वुमेन इस सिटी में कितने हैं, 22,20,547। अब आपको टोटल पॉपुलेशन कितना बताया था, 37,04,926, तो इसको माइनस करेंगे इससे तो आपको पता चल जाएगा कि चिल्ड्रन कितने हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 37,04,926, ये क्या है, टोटल पॉपुलेशन जो आपको यहाँ पर दी गई है। और डाउन साइड में यहाँ पर हम लिखेंगे 22,20,547, ये क्या है, ये है नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, दोनों को माइनस करना है। आइए माइनस करते हैं, सिक्स में से सेवन माइनस नहीं होगा, सिक्स को पहले बिगर बनाना पड़ेगा, तो बाजू से एक उधार ले लो, ये बन जाएगा आपका सिक्सटीन। सिक्सटीन में से सेवन माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा नाइन। अब वन में से फोर माइनस नहीं होगा तो बाजू में से एक ले लो, ये बन जाएगा आपका एट, ये बन जाएगा इलेवन। इलेवन में से फोर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सेवन। एट में से फाइव जाएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा थ्री। फोर में से जीरो माइनस करेंगे तो यहाँ पर फोर मिलेगा। जीरो में से टू माइनस नहीं होगा तो जीरो को बिगर बनाओ, बाजू में से एक लेकर ये सिक्स बन जाएगा और ये बन जाएगा टेन। टेन में से टू जाएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा एट। सिक्स में से टू जाएगा तो यहाँ पर फोर। थ्री में से टू जाएगा तो यहाँ पर वन। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप लिखेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सिटी इज 14,84,379। तो उस सिटी में इतने चिल्ड्रन हैं। देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से, कॉपी कर लो इसको अपनी नोटबुक में। अब देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, द मैनेजमेंट ऑफ अ सर्टन फैक्ट्री हैड 25,40,600 रुपीज इन द लेबर वेलफेयर फंड। फ्रॉम दिस फंड 12,37,865 रुपीज वर यूज्ड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। 8,42,317 rupees were spent on the education of the workers, children, and the remaining was put aside for a canteen. How much money was put aside for the canteen? आप क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, फैक्ट्री का मैनेजमेंट है जिसमें 25,40,600 रुपीज लेबर वेलफेयर फंड में रखे गए हैं। अब उसमें से अलग अलग अमाउंट यूज हो रहा है अलग अलग चीज के लिए। तो लास्ट में क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि कैंटीन के लिए कितना साइड में रखा गया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो अमाउंट आपको दिया गया है उसको प्लस करेंगे और जो आपको आंसर मिलेगा उस आंसर को माइनस करेंगे 25,40,600 से, तो आपको पता चल जाएगा कि कैंटीन के लिए कितना रखा गया है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे रहेगा। मेडिकल एक्सपेंसिस का ये अमाउंट है और ये अमाउंट है एजुकेशन ऑफ वर्कर्स चिल्ड्रन, यानी जो वहां पर वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्री में उनके बच्चों के लिए जो अमाउंट रखा गया है वो ये अमाउंट है। ठीक है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ही मिल रही है, तो ये दोनों हमने लिख दिया और इसको आप प्लस करेंगे। देखो यहाँ पर 5 प्लस 7 यहाँ पर 12 मिलेगा, तो 1 यहाँ पर लिखो और 2 यहाँ पर आ जाएगा। 1 प्लस 6 7 होगा, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, तो लिखो यहाँ पर 8। 8 प्लस 3 11 होता है, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, 1 बाजू में कैरी होगा। 1 प्लस 7 8 होगा, 8 प्लस 2 10 होगा, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, 1 बाजू में कैरी हो जाएगा। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8 होगा। 2 प्लस 8 10 होता है, तो 0 यहाँ पर लिखेंगे, 1 बाजू में कैरी करेंगे। 1 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये जो अमाउंट है ये अमाउंट कितना है, 20,80,182 रुपीज इतना स्पेंड हो रहा है मेडिकल पर भी और एजुकेशन पर भी। ठीक है, दोनों को मिलाकर हमें इतना मिला। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया था, फंड अमाउंट है वो कितना है, वो है 25,40,600। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 25,40,600, ये किसका है अमाउंट, ये है लेबर फंड का, तो लिख दो यहाँ पर। और ये जो अमाउंट है ये हमें मिला है यहाँ से स्पेंड फॉर मेडिकल एंड एजुकेशन, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं शॉर्ट में मेडिकल एंड एजुकेशन। ठीक है, ये आपके समझने के लिए है। अब आइए माइनस करते हैं, तो दोनों के बीच में माइनस का साइन पुट कीजिए। जीरो में से टू माइनस नहीं होगा तो जीरो को पहले बिगर बनाना पड़ेगा, बाजू में से एक ले लो, बाजू में भी जीरो है तो फिर से बाजू में जाओ। यहाँ पर है सिक्स तो ये बन जाएगा फाइव, ये बनेगा टेन, लेकिन इसको बाजू में एक देना है तो ये बन जाएगा नाइन। अब ये बन जाएगा टेन। टेन में से टू जाएगा तो यहाँ पर आपको एट मिलेगा। नाइन में से एट जाएगा तो यहाँ पर वन मिलेगा। फाइव में से वन जाएगा तो यहाँ पर फोर, जीरो माइनस जीरो जीरो मिलेगा। फोर में से एट नहीं जाएगा, पहले फोर को बिगर बनाओ, बाजू वाले से एक ले लो, यहाँ पर फाइव है तो ये फोर बन जाएगा, ये बन जाएगा फोर्टीन। फोर्टीन में से एट जाएगा तो यहाँ सिक्स मिलेगा। फोर में से जीरो जाएगा तो यहाँ पर फोर मिलेगा। टू में से टू जाएगा तो यहाँ पर जीरो मिलेगा। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे, रुपीज 4,60,418 पुट असाइड फॉर द कैंटीन। आया समझ में? क्वेश्चन में आपको एक अमाउंट दिया गया था जो मेडिकल एक्सपेंस का था, वो था 12,37,865। सेकेंड अमाउंट जो साइड में रखा गया था वो था जो वहां पर वर्कर्स काम करते हैं उन बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो वो अमाउंट था 8,42,317। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमें पता चला कि 20,80,182 हो रहा है जो स्पेंड हो रहा है मेडिकल और एजुकेशन पर। अब जो टोटल लेबर वेलफेयर फंड में अमाउंट था वो था 25,40,600।
तो हमने क्या किया, इस अमाउंट को माइनस किया इस वाले अमाउंट से, तो आपको पता चला कि 4,60,418 मिल रहा है, जो कि रखा गया था कैंटीन के लिए। तो चलो कॉपी कर लो इसको भी, फिर लास्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है, फॉर अ थ्री डे क्रिकेट मैच 13,608 टिकट्स वर सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे एंड 8,955 ऑन द सेकेंड डे। इफ ऑल टूगेदर 36,563 टिकट्स वर सोल्ड इन थ्री डेज, हाउ मेनी वर सोल्ड ऑन द थर्ड डे। क्वेश्चन देखो बड़ा सिंपल है, तीन दिन का क्रिकेट मैच था, तो फर्स्ट डे टिकट कितना बिका, 13,608, और सेकेंड डे 8,955 टिकट्स सोल्ड हुए। अब आगे क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि टोटल जो टिकट्स तीनों दिन का है वो है 36,563। तो फर्स्ट डे सेकेंड डे का आपको बता दिया गया और टोटल टिकट्स बता दिया गया, आपको फाइंड आउट करना है थर्ड डे का टिकट्स। तो कैसे करेंगे, जो फर्स्ट डे का है और सेकेंड डे का है उन दोनों को प्लस करेंगे और टोटल से माइनस करेंगे, है ना सिंपल। चलो आ जाओ देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करना है। तो सोल्यूशन इसका ऐसा आएगा कि जो फर्स्ट डे का टिकट है वो है 13,608, सेकेंड डे का टिकट है 8,955, दोनों को पहले प्लस करो, 8+5 कितना होता है 13 होता है, तो वन बाजू में कैरी हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर, 1+0 वन होगा, 1+5 6 होगा, 6+9 15 होता है, तो 5 यहाँ पर लिखो, वन बाजू में कैरी करो, 1+3 4 होगा, 4+8 12 होगा, तो 12 का 2 यहाँ पर आ जाएगा और वन बाजू में कैरी, 1+1 2 होता है तो 2 लिख दो यहाँ पर। तो हमें पता चला कि फर्स्ट डे और सेकेंड डे टोटल 22,563 टिकट्स सोल्ड हुए थे, ये फर्स्ट और सेकेंड डे का है। तो देखो क्वेश्चन में आपको बताया गया कि 36,563 टिकट्स सोल्ड हुए हैं तीनों दिन में, फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे तीनों का मिलाकर इतना हुआ है टोटल टिकट्स। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको फर्स्ट डे और सेकेंड डे का भी बताया था, तो टोटल हमने निकाला फर्स्ट डे और सेकेंड डे का, तो मिला आपको 22,563, ये है टिकट सोल्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड डे। अब आपको पूछ रहे हैं कि थर्ड डे, स्पेसिफिक थर्ड डे का आपको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल टिकट्स तीनों दिन में जितना सोल्ड हुआ है उसको और जो स्टार्टिंग के टू डेज में सोल्ड हुआ है उसको, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि थर्ड डे का क्या है। आइए माइनस करते हैं, यहाँ पर आपको 3-3 0 मिलेगा, 6-6 यहाँ पर 0, 5-5 यहाँ पर 0, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा। तो ये है नंबर 14,000 जो थर्ड डे में टिकट सोल्ड हुए हैं। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे, 14,000 टिकट सोल्ड ऑन द थर्ड डे, थर्ड डे में 14,000 टिकट सोल्ड हुए थे। और यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सेट 13 एंड चैप्टर 3 एडिशन एंड सबट्रैक्शन कंप्लीट होता है। ऐसे ही इजी सॉल्यूशन वाले वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो, वीडियोस पसंद आते हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।